ईसाई धर्म की आधारशिला और पवित्र ग्रंथ बाइबल के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे डेविल्स बाइबल यानी कि शैतान की बाइबल के नाम से जाना जाता है? आपको ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। डेविल्स बाइबल को दुनिया के सबसे रहस्यमय शैतानी किताब मानी जाती है, क्योंकि इसके पहले ही पन्ने पर एक शैतान की तस्वीर बनाई गई है। इतना ही नहीं, किताब के अन्य पन्नों पर भी शैतान की तस्वीर बनी हुई है। डेविल्स बाइबल को दुनिया का सबसे खतरनाक किताब भी माना जाता है, क्योंकि इसके बारे में आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसे किसने और क्यों लिखा है। इस शैतानी किताब को कोडेक्स गिगास के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ये किताब फिलहाल स्वीडन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है। साधारण तौर पर कोई भी किताब के पन्नों से बनती है, लेकिन डेविल्स बाइबल में कागज के पन्नों की जगह चमड़े के इस्तेमाल किया गया है। ऐसा में यह किताब इंसानों के मन में डर पैदा करती है। कुल 160 पन्नों की इस किताब का वजन लगभग 85 किलो के आसपास है और इसे उठाने में कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़ती है। इस किताब को लेकर एक ये भी बात मशहूर है कि इसे महज एक रात में लिखा गया था। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में एक सन्यासी ने अपने मठवासी प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया था, जिसके बाद उसे दीवार में जिंदा चुनवा देने की सजा सुनाई गई। इस कठोर दंड से बचने के लिए उसने महज एक रात में ऐसी किताब लिखने का वादा किया जो सभी मानव ज्ञान सहित मठ को हमेशा के लिए गौरवान्वित करे। उसे इसकी इजाज़त दे दी गई, लेकिन कहते हैं कि आधी रात को जब उसने देखा कि वह अकेले पूरी किताब को नहीं लिख सकता है, तो उसने एक विशेष प्रार्थना की और शैतान को बुलाया। उस शैतान से उसे अपनी आत्मा के बदले किताब को पूरा करवाने के लिए मदद मांगी। शैतान इसके लिए तैयार हो गया और उसने रात भर में पूरी किताब लिख डाली। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि प्राचीन समय में चमड़ों के पन्नों पर ऐसी किताब के महज एक दिन में लिखना नामुमकिन है। अगर दिन रात एक करके भी लगातार इसे अगर लिखा जाए तो कम से कम 20 साल का समय लगेगा। वहीं कुछ शोधकर्ताओं ने इसे तर्क को गलत ठहराया। उनका मानना है कि जिस तरह पूरी किताब में एक ही लिखावट लिखा गया उससे इतना तो साफ है कि इसे 20 या 25 साल में नहीं लिखा गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।